हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेबल्स। माय नेम इज़ राहुल और आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन पॉलिटी का अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा इंडियन पॉलिटी में, तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि जो भी इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें अगर हमने चेंजेस लानी है तो वो हम कैसे ला सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर क्या है, हमारे पास पार्ट है और पर्टिकुलर एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन। कौन सा आर्टिकल गिवन है हमारा? आर्टिकल 368 किसके रिलेटेड काम करता है? जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई आपने चेंजेस लानी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन सा पार्ट है? पार्ट 20। पार्ट आपने जा रखना है, पार्ट एंड आर्टिकल आपने दोनों जा रखने हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे 368 और पार्ट कौन सा जहाँ पे पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, किसके रिलेटेड डील कर रहे हैं? पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, मीन्स की जो पावर्स दे रहा है किसको दे रहा है? जो पार्लियामेंट को दे रहा है कि किसके रिलेटेड टू अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन को और उसका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट आके क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट पार्लियामेंट मे इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट पावर्स, जो पावर्स गिवन है यहाँ पे पार्लियामेंट के पास, अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन करके, वेरिएशन करके और रिपेल एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पे एडिशन से, वेरिएशन और रिपेल करके। ठीक, जो भी हमारा क्या है प्रोसीजर लेड फॉर द पर्पस, इसके लिए जो प्रोसीजर होगा। देयरफॉर हाउएवर द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजन विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बोर्ड, उसको हम क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक, ये यहाँ पे आपने पॉइंट जा रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा क्या होगा? अमेंडमेंट नहीं होगी उसमें। ठीक, अब बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, वो पहले हमारा क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आपका कवर होता है। दिस वॉज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस, और सबसे पहले किस में बताया था? ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। ठीक, ये आपने जा रखना है। अब हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसका जो प्रोसीजर है ना तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और इतना सिंपल भी नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल भी नहीं है और इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स लाइक जैसे यूएसए और सिंपल लाइक जैसे ब्रिटेन में। ठीक, इन दोनों का क्या है? ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट दोनों का क्या है? मिक्स्ड है। ठीक है, दोनों का क्या है? मिक्स्ड है। अब कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम डायरेक्टली हम क्या उनको सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनके लिए हमें क्या स्पेशल मेजोरिटी वगैरह भी चाहिए, तो वो देख लेते हैं हम क्या क्या है यहाँ पर टाइप्स अमेंडमेंट की। तीन टाइप्स की अमेंडमेंट होते हैं हमारे पास। कौन सी? भाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इसके लिए हमारी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की। अब आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ मेजोरिटी होती कितनी है। फोर टाइप्स होती है हमारे पास, कितनी? मेजोरिटी की। फोर टाइप्स की मेजोरिटी होती है। एक होती है सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी, सेकंड आ जाती है हमारे पास कौन सी? स्पेशल मेजोरिटी। थर्ड आ जाती है हमारे पास कौन सी? इफेक्टिव। एंड फोर्थ आ जाती है हमारे पास कौन सी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है कि जो प्रपोजल है हमारा उसको पास करने के लिए हमारे पास मिनिमम नॉट लेस देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मीन्स कि मिनिमम हमारे पास जो प्रेजेंट होने चाहिए मेंबर्स 50% प्रेजेंट होने चाहिए प्लस वन, मीन्स एक उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, 50% से ज़्यादा होना चाहिए सिंपल में मेजोरिटी के लिए हमें मेंबर्स की। और स्पेशल में क्या होता है कि स्पेशल में हमारे पास 2/3 आ जाते हैं। इसके अलग अलग टाइप है स्पेशल की। 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स एंड उनकी वोटिंग होती है, प्लस इसमें आता है 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, टोटल 1/3 ऑफ मेंबर्स एंड उनकी क्या होगी? वोटिंग, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी। ये हमारी किस में आती है? स्पेशल में। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है हमारी कि नॉट लेस देन हमारे क्या होना चाहिए? 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। ठीक है, नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। सिंपल में क्या था कि मेंबर्स प्रेजेंट कितने हैं और वोटिंग। अगर सपोज करो कोई हाउस है, लोकसभा हाउस है या राज्यसभा हाउस है, अगर वहाँ पे 250 मेंबर्स है टोटल मान के चलता हूँ, तो वहाँ पे अगर प्रेजेंट हमारे कितने हैं? कितने हैं? 245 क्या है? प्रेजेंट है। अब
इनकी अगर 50% लेंगे हम इसके लिए हमारा सिंपल के लिए, बट जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी उसमें हम देखेंगे किसका 50% लेंगे हम किसका 250 का, ठीक है। ये दोनों में क्या है इनका डिफरेंस, ये आपने जा रखने सिंपल और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में। इफेक्टिव में क्या होता है कि इफेक्टिव में हो जाएगा अगर नॉट लेस देन 50% ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, मींस कि अगर टोटल जो हमारी क्या है हाउस है टोटल अगर उसमें 250 है तो कुछ वैकेंसीज आ सकती है, यहाँ पे वैकेंसीज आ सकती है किस फॉर्म में, कोई डेथ हो गई, कोई रेजिग्नेशन आ गया उस फॉर्म में, तो मीन्स कि इसकी घट के अब सपोज करो 245 हो चुकी, फिर उसकी हम क्या लेंगे 50%, ठीक है। इफेक्टिव में हम क्या लेंगे किसका 50% लेंगे कि अगर कोई टोटल जो है हमारे पास मेंबर्स उनकी अगर जो मेंबरशिप है हमारे हाउस की उसमें से अगर कोई वैकेंसीज वगैरह आ जाती है उसकी वजह से जो कम हो जाएंगी उसका जो फैक्टर पड़ेगा उसका हम क्या लेंगे 50% लेंगे, ठीक। ये आपने जा रखनी चारों के चारों क्या मेजॉरिटीज। अब सिंपल में तो आपका हो जाएगा सीधा 50% जितने मेंबर्स प्रेजेंट एट वोटिंग सीधा हो जाएगी। स्पेशल में भी हमारा क्या आ जाएगा थोड़ा सा जी कॉम्प्लेक्स है, स्पेशल मेजॉरिटी में हमारा यही चाहिए होगा 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग और 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये अलग अलग केस में अलग अलग चलती है। अगर आप प्रेसिडेंट का केस लेके चलोगे तो आपका हमारा क्या होगा अलग होगा, जैसे इम्पीचमेंट करनी है आपने प्रेसिडेंट की तो उसमें तो हमें सिंपल चाहिए होती है कि आप 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ हाउस, ठीक है, ये आपने जा रखना है। थर्ड हमारी आ जाती है कौन सी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेक्टिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मीन्स कि जहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारे क्या होगा अमेंडमेंट करने के लिए हमें थोड़ी सी क्या चाहिए, जहाँ पे 50% तक हमें क्या चाहिए कंसेंट चाहिए किसका स्टेट का भी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए, ठीक, स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए। अब कैसे कैसे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली पूछेंगे बताओ हमारा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी क्या केस लगता है, जा रखना है आपने कि अमेंडमेंट के अंदर हमारा इन दोनों में से जो बी और सी पार्ट है यही हमारा किसके अंदर कवर होता है हमारा अंडर आर्टिकल 368, जो सिंपल मेजॉरिटी वाला केस है ये हमारा क्या है ये हमारा अंडर आर्टिकल 368 के अंदर कवर नहीं होता, ठीक है। ये आपने जा रखना है कि अंडर 368 ये हमारी सिंपल मेजॉरिटी कवर नहीं होती। अब हमने जो पढ़नी है वो हमने कौन कौन सी पढ़नी है अंडर आर्टिकल 368, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी और अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। अब इसमें भी हमारे क्या आएंगे दो पार्ट्स जो मैंने आपको बताया, दोनों हमने बी और सी करना है। बी था हमारा सिंपल क्या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, नो हमारी कोई भी स्टेट का हमें कंसेंट नहीं चाहिए, ठीक है। अब सी हमारा क्या था स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए प्लस हमें 50% हमारा क्या चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब एग्जाम में डायरेक्टली पूछेंगे इसमें कौन से एरिए कवर होते हैं, तो इसमें आपने जा रखने टोटल 5 एरिए जहाँ पर वहाँ पर जे कौन सी कंडीशन लगती है जे वाली स्पेशल और 50% वाली, कौन कौन सा एरिया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। जो जा रखने अपने 5 एरिया है कौन कौन सा एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एरिया हमारा सबसे पहले आ जाएगा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, और सेकंड आ जाएगा कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, ये पहला एरिया हमारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। सेकंड जो आएगा हमारा एरिया कौन सा पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ये सेकेंड एरिया। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे जो थर्ड वाला है यहाँ पे जिसमें हमें 50% किसका चाहिए स्टेट का भी चाहिए अगर आपने इनमें अमेंडमेंट करनी है तो। थर्ड आ गया हमारा क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल और एनी स्टेट और जो भी हमारा क्या है 7th शेड्यूल के अंदर आपने कोई भी अगर चेंजेस लानी है। 7th शेड्यूल किसके रिलेटेड हमारा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, अगर आपने इनमें कोई भी चेंजेस लाई है तो आपको 50% किसकी चाहिए कंसेंट स्टेट का भी, ये आ जाता है हमारा थर्ड एरिया। फोर्थ एरिया हमारा कौन सा आ जाता है अगर आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ करनी है स्टेट्स की कहाँ पे पार्लियामेंट में, ये हमारा कौन सा है फोर्थ एरिया।
और फिफ्थ एरिया हमारा कौन सा आ जाता है यहाँ पे, आर्टिकल 368 इट्सेल्फ, वो खुद ही अगर आपने क्या करना है, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, अगर आपने इसी को क्या करना है, अमेंडमेंट करना है आर्टिकल को। ये थे हमारे क्या टोटल 5 एरियाज अंडर कौन से, जो स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और हाफ ऑफ रेक्टिफिकेशन चाहिए किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की। ये आपको 5 एरिया आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। स्पेशल मेजोरिटी में आपको पता है कि हमारी क्या होगी, स्पेशल मेजोरिटी सिंपल चाहिए, 2/3 चाहिए, वो आपको मैंने ऐसे बता दिया यहाँ पे। अब सिंपल मेजोरिटी है जो हमारे, वो कौन कौन सा केस है वो भी देख लो एक बार। सिंपल मेजोरिटी में अगर आपको पूछ ले तो क्या क्या आ सकते हैं, जैसे एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट करनी है तो हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अंडर आर्टिकल जे 368 हमारा नहीं होगा, ये हम इसको ऐसे ही ऑर्डनरी क्या ऑर्डनरी बिल की तरह इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपने कोई न्यू स्टेट बनानी है, अगर चेंजेस करनी है बाउंड्रीज में, नेम वगैरह चेंज करने हैं, वो सब हमारा किस में हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी में। ऐसे ही अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आपने उड़ानी है तो उसके लिए हमारी क्या सिंपल क्या चाहिए हमें, सिंपल मेजोरिटी। कोरम इन पार्लियामेंट और सैलरीज वगैरह ये सब हमारा किस में आ जाएगा, सिंपल मेजोरिटी में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है वो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में भी अगर आपने चेंजेस करनी है तो आपको क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, इम्पॉर्टेंट है, सिंपल मेजोरिटी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कौन सा, कि अगर हमारे पास प्रोसीजर क्या है इसका अमेंडमेंट का, जो एग्ज़ाम में प्रोसीजर पूछते हैं वो डायरेक्टली पूछते हैं कि प्रोसीजर क्या है, तो वो मैं आपको ग्राफ के थ्रू ऐसे ही बता देता हूँ जहाँ पे फ्लो चार्ट में, ये सब आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि अगर सबसे पहले आपने अमेंडमेंट करनी है तो इनवाइटेड बाय द मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, मीन्स कि कौन इंट्रोड्यूस करेगा, कुछ अमेंडमेंट करनी होगी तो कोई ना कोई उसको इंट्रोड्यूस करेगा हमारे कहाँ पे, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कोई ना कोई इसको इंट्रोड्यूस करेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर, कोई भी प्रायर परमिशन नहीं चाहिए किसकी, प्रेजिडेंट की। अब उसने क्या कर दिया इसको जहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे इंट्रोड्यूस किया वो पहले हाउस के पास जाएगा, हाउस नंबर 1, जहाँ पे हाउस कोई भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या करेगा कि वो स्पेशल मेजोरिटी के लिए जाएगा, ठीक है। अगर पहले हाउस ने पास किया मीन्स कि वो स्पेशल मेजोरिटी के लिए जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी में आपको दो कंडीशंस आपको क्या करने पड़ेगी जहाँ पे फॉलो करने पड़ेगी, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकेंड। कंडीशन फर्स्ट क्या है, जहाँ पे 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, मीन्स की जो हमारी क्या होगी 50% ऑफ द स्ट्रेंथ होगी, और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट प्रेजेंट पीपल, ये है कि इसका स्पेशल मेजोरिटी का यहाँ पे क्राइटेरिया। दोनों की दोनों कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या करने पड़ेगी, फॉलो करने पड़ेगी, ठीक है। दोनों के दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी होगी अगर मिलती है तो ठीक है, फिर क्या जाएगा जी, सेकेंड हाउस के पास। सेकेंड हाउस के पास पहुंच चुका है, अब सेकेंड हाउस जहाँ पे कोई भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, जहाँ पे कोई भी इंट्रोड्यूस बिल कहीं पे भी हो सकता है जी, आइदर हाउस में, ठीक है। अब सेकेंड हाउस में जैसे ही पहुंचा, अब फिर से क्या आएगा, अगेन जहाँ पे क्या चाहिए, अगेन उसको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, अगेन स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसको। अब एक आ जाता है कि अगर तो आपका बिल क्या है, फेडरल है, मीन्स कि अगर स्टेट के रिलेटेड भी है तो आपको क्या चाहिए, अगर फेडरल है तो मीन्स कि अगर एक्टिवेशन चाहिए हाफ ऑफ स्टेट की तो फिर ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो नो, जहाँ से ही हम सीधा भेज देंगे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। ये कौन सा केस लग जाएगा, यहाँ पे बी वाला केस। अब इसमें क्या आ जाएगा, अगर तो 50% कंसेंट चाहिए हमें किसका, स्टेट का, तो फिर तो ठीक है, इसमें 50% आ जाएगा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जज करना पड़ेगा, फिर जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अगर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, क्या इसको असेंट दे देगा। प्रेसिडेंट जहाँ पे हमारा क्या करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा कोई अमेंडमेंट हो रहा है तो जहाँ पे हमारा क्या, प्रेसिडेंट को जहाँ पे क्या करना पड़ता है, कंसेंट देना पड़ता है, मीन्स कि उसको क्या करना पड़ता है, बिल को पास करना पड़ता है, ठीक है। जैसे पास हुआ तो बिल क्या बन गया, वो एक्ट बन गया। ये था हमारा सिंपल किसका, इसका प्रोसीजर।
ठीक है, आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडमेंट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट। ये था हमारा क्या सारा का सारा प्रोसीजर जो जहाँ पे लिखा हुआ मैंने आपको फ्लो चार्ट में बता दिया। ठीक है, आपने इसको ऐसे फ्लो चार्ट की तरह ही इसको लर्न भी करना है। ठीक है, ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अब एरिया मैंने आपको बता दी है, एरिया हमारा अगर स्पेशल मेजोरिटी वाले ये थे पांच एरिए कौन से जिसमें हमारा 50% रेक्टिविजन चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारे कितने एरिया थे 5 एरियाज। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो सीधा नो करके सीधा प्रेसिडेंट के पास जाओ, प्रेसिडेंट आगे क्या देगा असेंट देगा तो सीधा हमारा क्या बन जाएगा बिल एक्ट बन जाएगा। ये था हमारा टोटल अमेंडमेंट का प्रोसीजर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करते हैं हम अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू।